सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक वीडियो विद पोन को और बेल का आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक वीडियो विद पवन। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसे दबा ले और उसके बगल में बेल का आइकन आ रहा होगा उसे दबा ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, कल मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया और उस मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक दिया होता। जैसे ही उस वेबसाइट के लिंक पर हमने क्लिक किया तो देखा कि वो अमेजोन जैसा वेबसाइट लग रहा था और अमेजोन का टू कॉपी बना हुआ था। तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई भी दे रहे थे और काउंटडाउन भी चल रहा था। तो हमने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, जैसे ही उस प्रोडक्ट पे हम क्लिक किए तो डायरेक्ट जिस तरह आपका अमेजोन ले जाता है उसी तरह वो साइट भी ले गया। वहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और विलेज, जिप कोड या पिन कोड सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ था। जैसे ही हमने भर के क्लिक किया बाय पे तो डायरेक्ट वो पेटीएम के साइट पे ले गया। जैसे ही पेटीएम के साइट पे क्लिक किया तो वहाँ पे मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया तो देखा कि हमारे एटीएम से या पेटीएम से पैसे कट गए। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, जब इस पे पैसे कट गए तो हम अपना जो ओरिजिनल अमेजोन ऐप से उस पर मैंने गया, वहाँ पर चेक किया माई ऑर्डर में जाके तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। और एक बात और, फिर मैंने उस वेबसाइट पर क्लिक किया और डायरेक्ट वहाँ पर एक प्रोडक्ट को चूज किया। चूज करने के बाद आपको पता नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट पेटीएम पे ले जा रहा था। उसके बाद हमने और कुछ देखने शुरू किए, जैसे मैंने अमेजोन का वो ऐड टू कार कार्ड होता है उसके बाद उसका फिर साइन इन पर क्लिक किए, लेकिन वो अलग अलग साइट पे ले जा रहा था। तो आप लोग से ही बस अनुरोध है कि अगर आपके मोबाइल में ऐसा मैसेज आए तो आप उस मैसेज पे जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करके देख लीजिए। क्लिक करने के बाद देख लीजिए कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। मैं तो फंस चुका हूँ, तो चलिए इसका मैं ओरिजिनल जिसका मतलब प्रूफ भाई दिखाता हूँ। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम अपने होम स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं उस वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर अमेजोन का लोगो बना हुआ है, यहाँ पर अमेजोन का साइन इन बना हुआ है, यहाँ पर कार्ड बना हुआ है और देखिए नीचे में काउंटडाउन भी चल रहा है और नीचे में देखिए वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी पूरा दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सिंपली प्रोडक्ट पे कोई भी प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट्स हो उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इसमें क्या धांधली होता है, मैं बताता हूँ पूरा डिटेल से। देखिए हमने एक कैमरा को परचेज करने के लिए सोचा, मान के चलिए 299 का। तो जैसे हम उस पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे जिस तरह अमेजोन ले जाता है उसी तरह वो वेबसाइट पे ले जाएगा। देखिए क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए इसका कैमरा का पूरा डिटेल पहले बताता है, पूरा डिटेल लगता है कि बस ये फ्रॉड कंपनी है ये नहीं है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए जिस तरह अमेजोन अपना पूरा डिटेल देता है, इसका पूरा प्राइस बताता है, पूरा सेप बताता है कि कितना का है, कितना कीमत है और यहाँ पर पूरा उसका डिटेल बताता है क्या क्या प्रोसेस है। आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपको किस पेज पे ले जाता है वो चलिए हम बताते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो देखिए उस पर पूरा एड्रेस वेड्रेस सब कुछ भरने के लिए कहता है, इंटर नेम, इंटर ईमेल, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड। हम पूरा यहाँ पर फिल करके बता देते हैं। फिल करके बताने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम अपनी पूरी डिटेल भर लेता हूँ, पर्सनल सिक्योरिटी के कारण आपको मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद पे एंड प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पेटीएम का ऐप्स या वेबसाइट पे ले जाएगा। पेटीएम पे आपको देखिए वहाँ पे पूरा डायरेक्टली आपको पेटीएम का जहाँ पे पैसा कटता है वहाँ पे डायरेक्ट ही पहुँचा देगा। 299 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब जैसे ही इस पे पे क्लिक कीजिएगा यानी सुरक्षित रूप से भुगतान करें पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका पैसा कट जाएगा पेटीएम से। देखिए यहाँ पे जो आप पैसा पे किए हैं उसका मैसेज भी आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड आरएस 299। तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए ये फ्रॉड कंपनी क्या करती है। उसके बाद हमने फिर अमेजोन की वेबसाइट पे गया, तो चलिए उस वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं और बताते हैं, पता करते हैं वो कैसा है। फिर हम अपने मोबाइल के ओरिजिनल जो वेबसाइट है ऐप से उस पर हम क्लिक करके देखते हैं। उस पर जैसे ही क्लिक करें उसके बाद देखिए ऊपर में 3 डॉट आ रहा होगा, वहाँ पर हमने क्लिक करके देखा
कि हमारा ऑर्डर है कि नहीं। जैसे माई ऑर्डर पे क्लिक किए तो देखिए जो पुराना वाला है ऑर्डर वही बता रहा है, नया वाला जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं बता रहा है। दोस्तों अगर आप लोग के मोबाइल में भी ऐसा कुछ आए तो प्लीज़ सतर्क रहें। देखिए ये पुराना वाला पूरा डिटेल आ रहा है, सर्च ऑल प्रोडक्ट। मैंने मंगाया था कुछ दिन पहले जो मैंने कैंसिल कर दिया था किसी कारणवश। तो बस आपको बस यही करना, आपको इससे सतर्क रहना, वरना आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आए तो उस वेबसाइट पर क्लिक नहीं। देखिए मैंने इस वेबसाइट के जांच के लिए साइन इन पे क्लिक किया। देखिए साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। साइन इन पे क्लिक करें तो इसका नियम है कि आप साइन इन पे क्लिक किया तो ये डायरेक्टली आपका ऐसे साइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह भरने के लिए कहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहता, ज्यों का त्यों वही वेबसाइट पर रह जाता है। और अगर आपको डाउट है तो मैं दूसरे वाले ऐड टू कार्ट पे भी क्लिक करके बता देता हूँ। देखिए ऐड टू कार्ट पे भी क्लिक करें तो भी कुछ नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, इससे पता चल जाता है। दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट दूसरे पेज पे ले जाता है, लेकिन हम जैसे ही साइन इन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो दूसरे वेबसाइट पे नहीं ले जाता, इससे ये प्रूफ होता है कि वेबसाइट फ्रॉड।